गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने दो क्लासेस लगाई थी जिसमें हमने क्या पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा और उसकी प्रस्तावना के बारे में। आज का जो हमारी क्लास है वो है भाग और अनुच्छेद। ठीक है, भाग का मतलब इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पार्ट। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है, ये सारे कानून है, लेकिन आपको पढ़ने में इजी लगे इसलिए इसके पार्ट कर दिए हैं, पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और उनको भी आगे अनुच्छेद में बांटा गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि भाग क्या आगे अनुच्छेद क्या आगे। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारे रूल रेगुलेशन है उनको एक पार्ट में बांट दिया गया है, मान लो लेसन बना दिए गए उनके 25। ठीक है, भाग का मतलब समझ लो कि लेसन बना दिए गए हैं 25 और उसमें अनुच्छेद है जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम भाग की बात करते हैं तो हमारे पास 22 भाग है, जब बना था तब भी 22 भाग है, आज भी 22 भाग है। अब देखो, कई बुक्स लिख देती हैं कि 25 भाग है, भाग सिर्फ 22 है, आज तक 22 भाग है, ऐसा नहीं कि भाग 23 भाग 24 भाग 25, भाग 22 है। लेकिन जो ये 25 बताते हैं वो है गिनती की दृष्टि से। मतलब देखो, मान लो हमारे पास, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास हम भाग लेते हैं 4। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया भाग 4। अब देखो, इसी भाग में कुछ और चीजें ऐड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया है, भाग 4। तो इनको ऐड करके 25 होते हैं गिनती की दृष्टि से। ऐसा नहीं है बोले ये जो सब पार्ट है उनको जोड़कर इनकी संख्या 25 है गिनती की दृष्टि से। जैसे इसको एक गिन लिया, इसको दो गिन लिया, अगर भाग 4 तो आ गया उसको 3 गिन लिया, 4 और पार्ट है जैसे। हाँ, पार्ट बनाए इनके, तब इनको भाग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इनके ही पार्ट है। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे आंसर, देखो ऐसे करते थे, उत्तर लिखते थे, ठीक है, उसका क भाग, उसका ख भाग, उसका ग भाग। तो ऐसे नहीं लिखते हैं कि उत्तर 1 2 3 4, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों है, भाग आज भी 22 है, 25 नहीं है, क्योंकि कई टीचर्स जो 25 पढ़ाते हैं, भाग 22 है। अगर 25 होते तो ये गिनती बढ़ती। ठीक है, देखो यहाँ पे भाग 4 था ना। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा है भाग 4 को। ठीक है, यानी कि 4 और 5 के बीच में छोटा सा जो है भाग जोड़ दिया है। ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे भाग ऐड होते तो 22 23 24 25 उस तरह से। ठीक है, तो आज भी भाग जो है वो 22 है। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं, पहले थे 395 और गिनती की दृष्टि से 465 भी बोलते हैं, 470 भी बोलते हैं, वैसे ही जैसे भाग बनाए इन्होंने क ख ग, वैसे ही इन्होंने अनुच्छेद में भी, जैसे मान लो एक अनुच्छेद है उसका एक सब पार्ट आया तो क्या बन गया, 1 ए या फिर क, जैसे भी होगा वो ऐड हुए। तो देखो 395 के आगे 396 नहीं आया है, आज भी इतने ही है। ठीक है, और ये सब आर्टिकल जोड़े गए होते हैं कि जैसे मान लो भाग एक और उसके आगे क जोड़ दिया या ए बी सी जोड़ दिया, तब जाके उन सभी की गिनती करके बता देते हैं कि 465 है, 455 है, 470 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि 495 से 496 जोड़ा गया है, तो ये गलत मत पढ़ना, भाग आज भी 22 है, अनुच्छेद आज भी जो है 395। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे हम भाग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम अनुच्छेद। एक टेबल जैसा बना लो, टेबल बना लो, भाग अनुच्छेद, और उसमें क्या है, इसमें इसको विशेष या क्या ऐड किया हुआ। ठीक है, इसमें है क्या। ठीक है, तो जो हमारा भाग, जो एक भाग है, यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हो कि इनके नाम क्या है। ठीक है, तो भाग एक, इसमें आर्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि मतलब जो भाग एक है उसमें अनुच्छेद कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, या 1 से 4 तक। ठीक है,
ठीक है। और इसमें क्या है आपका संघ, मतलब संघ में क्या क्या आता है, एक तो आते हैं आपके राज्य और दूसरे आते हैं आपकी संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज ठीक है। और विशेष क्या है, देखिए इसमें है क्या संघ का नाम, ठीक है क्या है इसमें कि संघ का नाम, देखो संघ क्या होता है, संघ होता है राज्यों का समूह, क्या होता है संघ राज्यों का समूह, मैंने लिखा है यहाँ पे संघ ठीक है, तो संघ का मतलब होता है राज्य का समूह, हमारा जो भारत है वो भी राज्य का समूह है, राज्य का समूह है ना, राज्य है ना उसमें, तो जो भाग हमारा बन है उसका नाम क्या है, मतलब उसका नाम क्या है संविधान में, यानी कि संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है, और संघ का मतलब होता है राज्य का समूह, और राज्य के समूह में जो राज्य भी आएंगे और संघ शासित प्रदेश भी आएंगे, ये नहीं है राज्य लिखा है तो यूटीज नहीं है उसमें, यूटीज को ऐड नहीं करेंगे, राज्य मतलब राज्य भी और यूटी भी दोनों ठीक है। तो देखो हमारे राज्य कितने हैं इस टाइम पे, कितने राज्य हैं भारत में 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी है 8 ठीक है, क्लियर होगी। अब संघ का नाम यानी कि हमारे भारत का नाम क्या है संविधान में, तो वो है भारत या इंडिया। देखो हम ऐसे कितने नाम लेते हैं, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंद्रप्रस्थ, वो कुछ भी नहीं है, यानी कि संविधान में हमारा देश जो है या तो भारत के नाम से या फिर इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्लियर होगी ये चीज। अब बात करते हैं भाग दो ठीक है, इसमें क्या है आर्टिकल हमारे 5 से लेकर 12 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक है ये, 12 नहीं है 11 तक ठीक है। तो ये है क्या, इसका नाम क्या है, इसमें है क्या नागरिकता, यानी कि भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है, एक तो यहाँ पे जन्म लोग ऑटोमेटिकली, और कौन से रास्ते हैं जहाँ से हम जो है इसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ जन्म लेने वाला ही यहाँ का नागरिक होगा, वहां से अदर कंट्री से जो आते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, वो एक प्रोसीजर है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है ठीक है। अब बात करते हैं भाग 3 ठीक है, भाग 3 इसमें हमारे जो अनुच्छेद हैं वो हैं 12 से 35 और उसका नाम क्या है, इसमें क्या है आपके मौलिक अधिकार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अधिकार होते कितनी तरह के हैं, इंसान के पास कितनी तरह के अधिकार हैं, कौन कौन से राइट्स हैं आपके पास, वो तो इसी में आ जाएंगे ना, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर विधि के समक्ष समानता, वो तो मौलिक अधिकार के ही आर्टिकल्स है। मैं बोल रही हूँ आपके पास कितनी तरह के अधिकार है, मौलिक क्या होता है ना, मौलिक मीन्स फंडामेंटल, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, तो मैं बोल रही हूँ हमारे पास कितने तरह के अधिकार हैं, 3 तरह के, प्राकृतिक, मानवीकृत और मौलिक। कितने बोले, सबसे पहले नेचुरल, जो हमें नेचर ने दिए हैं, उसके बाद हमें मानव के रूप में जो अधिकार मिले, हम इंसान है तो इंसान होने के नाते जो हमारे अधिकार है वो मानवीकृत अधिकार होंगे, और उसके बाद मौलिक अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं ठीक है। तो 3 तरह के अधिकार होते हैं, क्लियर हो गया। तो हम जो भाग 3 है उसमें क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी कि इंसान को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई। अच्छा मैं यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि अपनी पसंद से शादी करने, जो हम अपनी पसंद से शादी करते हैं वो हम किस अनुच्छेद में डाल सकते हैं,
मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में डाल सकते हैं? सिमरन मर्जी से शादी कर ली, लव मैरिज करी, ठीक है, तो उसको, उस शादी को हम किस आर्टिकल में फिट कर सकते हैं कि हमारा राइट है, बताइए जरा। और ये बहुत ही इसको बोलते हैं पूछा जाने वाला, आजकल जो HSI लाइव वगैरह में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि एक एक आर्टिकल में बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 10 बातें लिखी होती हैं, तो हम सिर्फ एक बात पढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन से आर्टिकल में है कि हम अपनी मनपसंद जो शादी कर सकते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में तो है, मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में है? ध्यान से, आप तो काफी टाइम से पढ़ रहे हो बच्चे, तो बताओ कुछ आइडिया, बोलो तो सही। उन्नीस तो बेटा प्लस की स्वतंत्रता है, उसमें इंग्लिश बीसी वगैरह भी होता है, आर्टिकल 21 याद है, प्राण को दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, हमें खुश रहने का अधिकार है, अपनी पसंद से शादी करना, अपनी पसंद की चीजें करना, तो उससे हमें खुशी मिलती है, तो उसको हम अनुच्छेद 21 में जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगला भाग है हमारा 4 और इसमें अनुच्छेद है हमारे 36 से 51 तक, ठीक है, और इसमें है नीति, निदेशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, क्या है, नीति, निदेशक, दत्ता, क्लियर होगी। अब हमारा भाग 5 है, भाग 5 में अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक, कितने अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर 151 तक, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसके में है क्या, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि हमारा जो देश है वो किस तरह काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और इसमें कितने हैं, 5 लेसन है, 5 अध्याय है, ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर नजर दे लेते हैं, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। जो हमारा भाग 5 होगा आर्टिकल 52 से 1, ठीक है, और मैंने क्या बोला, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, और इसमें जो है हमारे 5 लेसन है, और इन 5 लेसन में है क्या क्या, देखो इसमें क्या क्या, हमारा लोकसभा है, ठीक है, फिर राज्यसभा है, ठीक है, फिर राष्ट्रपति है, ठीक है, फिर महालेखा निरीक्षक है, ठीक है, अध्यादेश है, ये सारे जो हैं इन 5 चैप्टरों में, ठीक है, इन 5 चैप्टरों में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महालेखा निरीक्षक, अध्यादेश, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, मंत्रिमंडल, और हमारा पीएम, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मोटी मोटी मैंने आपको बता दी, ये हम संघ की कार्यपालिका में पढ़ते हैं कि कैसे कानून बनाया जाता है, कैसे नहीं, और ये जो है तीनों वो ये मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं, ठीक है। अगर बात करें सदन की, तो हमारे सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, और बात करें अंग की या पार्ट की, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। जो लोकसभा है, जब इसकी मीटिंग लगती है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कार्पेट बिछा होता है, देखते हो, जब इनकी मीटिंग्स लगती है तो छोटी छोटी चीजों को देखा करो, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप HSI लाइव वगैरह की तैयारी करते हो, तो लोकसभा जब लगती है तो जो कार्पेट बिछा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और राज्यसभा के टाइम में रेड कलर का होता है, ठीक है, क्लियर होगी ये चीज।
छः, ठीक है, क्या है हमारा भाग छः, और इसमें आर्टिकल है 152 से लेकर 237, 152 से लेकर 237, और अभी हमें क्या पढ़े, संघ की कार्यपालिका, आप क्या पढ़े ना, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, जो हमने संघ की पढ़ी वो स्टेट सॉरी सेंटर में रहेगी, तो जो जितने हमारे 28 स्टेट हैं उसमें भी तो कानून चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, मदरसे राज हो जाएगा, तो राज्य की कार्यपालिका, और इसमें 6 अधिकारी हैं, ठीक है, इनकी 6 चैप्टर हैं, उसमें भी सेम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल, ठीक है, क्या क्या पढ़ा जाएगा इसमें, राज्यपाल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे सीएम हो गए, फिर उनकी कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, उसके बाद अधिवक्ता, जिसे हमने वहां पढ़ा था, अधिवक्ता, वक्ता क्या होता है, बोलने वाला, और अधि इसलिए यूज होता है एडवोकेट, ठीक है, अधिवक्ता, तो ये जो होता है वो लीगल ऑफिसर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें वहां पे राज्यसभा और लोकसभा थी, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा, ठीक है, और हमारे पास 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद भी है, ठीक है, वो आगे जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, विधानसभा विधान परिषद विधान मंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ये सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए हमने पढ़ना क्या, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है, साथ इसमें 238 जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे आता है हमारे पास भाग आठ, निरस्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज की, इसमें जिसमें अरब क्यों नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और आगे आता है हमारे पास भाग आठ, इसमें हमारे पास है 239 से 242 तक, ठीक है, 242, और इसमें क्या है हमारा शासित प्रदेश, ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, अच्छा आपको पता है संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं और राज्य क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं और यूटी क्या होती है, फर्क पता है, देखो संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश जिन पे इसका शासन है सेंटर का, केंद्र का, ठीक है, यानी कि केंद्र उनको देखता है, ठीक है, लेकिन राज्य क्या होते हैं, राज्य के अलग से अपना क्या होता है कार्यपालिका होती है, ठीक है, अपने लिए वो कानून बनाते हैं, लेकिन जो हमारी यूटीज है ना ये सेंटर के अंडर होती है, ठीक है, अब देखो क्या है संघ शासित प्रदेश, आगे आता है हमारा भाग 9, इसमें है हमारा आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक, इसमें क्या है पंचायत, ठीक है, पंचायत के बारे में, आज जो देखो आपको पता है कि शहरों में क्या होता है नगर पालिका और हमारे ग्रामीण एरिया में क्या होती है पंचायत, तो पंचायत के बारे में, फिर इससे आगे 9 ए आता है, अभी सब भाग नहीं कर रहे हम सिर्फ भाग कर रहे हैं, सब भाग में बाद में बताऊंगी, 9 ए जो आता है उसमें नगर पालिका वगैरह का है, 9 बी में हमारी जो सोसाइटी रहती है कोऑपरेटिव जो सोसाइटी रहती है वो अभी वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम भाग पढ़ रहे हैं, सब जो भाग एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए हैं तो उनको मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगी, इसको पढ़ाने के बाद आगे आता है हमारा भाग 10, इसमें क्या है हमारे पास ये ओ है 0 नहीं है, अच्छा ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास भाग 10 में इतना ही नफे है और पढ़ना है क्योंकि आपको ये याद करने में मुश्किल होगा, ठीक है, भाग 10 में क्या है
सर्कल, टू फोर फोर, इसमें क्या है हमारा एस सी एस टी के लिए जो भी प्रावधान होंगे वो इस भाग में होंगे। आज ये वाला लेक्चर समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला पढ़ के आना, और थोड़ा सा कल मैंने आपको बताया आपका टेस्ट था, तो टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलो।